students, आज हम 10th class का chapter number 1, real numbers शुरू करेंगे. Real numbers की development शुरू हुई थी natural numbers से. जब इंसान ने count करना सीखा था, तो counting numbers like 1, 2, 3, etc. उसने सबसे पहले सीखे थे. इनको नेचुरल नंबर्स कहा गया. और फिर जैसा कि हम जानते हैं, जीरो के बिना इन नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं था. आर्यभट्ट की इन्वेंशन ऑफ जीरो, उसके बाद ही डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इन नेचुरल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सके. तो जीरो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए नेचुरल नंबर्स के सेट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, उसमें एक नंबर जो है जीरो को भी इंक्लूड कर दिया गया. तो जीरो टुगेदर विद द अदर नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये जो सेट बना इसको नाम दिया गया होल नंबर्स. और फिर ऐसी क्वांटिटीज को स्टडी करने के लिए जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, तो हमें नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी, मींस अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए. तो इन्हीं नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स की भी जरूरत पड़ी, जैसे कि -1, -2, -3. इन नंबर्स को भी होल नंबर्स के साथ इंक्लूड करते हुए हमारे पास एक और बड़ा सेट ऑफ नंबर्स बन गया, जिसे हमने कहा इंटीजर्स. लेकिन हम जैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो हरेक डिस्टेंस होल नंबर नहीं होगा, हर एक डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल नहीं होगी, उसका एक पार्ट भी हो सकती है. तो वी स्टडीड द पार्ट्स ऑफ दीज नंबर्स, पर्टिकुलरली नेचुरल नंबर्स की फ्रैक्शंस स्टडी हुई थी पहले, लेकिन फिर जो है इंटीजर्स के भी पार्ट्स को इंक्लूड किया गया, तो हमें रैशनल नंबर्स मिले. रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन उनके जो पार्ट्स हैं, यानी कि किसी भी इंटीजर p का qth पार्ट, where q is also an integer other than 0, तो ऐसे सारे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा गया. तो क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो दो इंटीजर्स के कोशेंट की फॉर्म में लिखे गए, तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हमने q से रिप्रेजेंट किया, एंड दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. बट व्हाट आर द रियल नंबर्स? दुनिया में जितनी भी रियल क्वांटिटीज हैं, उनको मेजर करने के लिए जितने भी काइंड के नंबर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो रियल नंबर्स हैं. तो क्या रैशनल नंबर्स के भी बियॉन्ड कोई नंबर्स हैं? यस, जैसे कि हमें मालूम है, बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल है, अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं जिसका बेस 1 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर भी 1 ले लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम ने बताया था कि इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाता है. तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 2 है, वो रियल नंबर है. लेकिन हम ये प्रूव करते हैं, और उस चैप्टर में हम प्रूव करेंगे भी, कि ये नंबर रैशनल नहीं है. तो ऐसे भी रियल नंबर हैं जो रैशनल नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को जो कि रैशनल नहीं है, उनको इररैशनल कहा गया, और सभी नंबर्स को मिला के बने रियल. सो नेक्स्ट हम अब डिटेल में समझेंगे कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिस्टिंक्शंस हैं. बेसिक डेफिनेशन तो है ही कि रैशनल नंबर्स p अपॉन q फॉर्म के नंबर्स हैं, जहां p और q इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म के नंबर्स हैं. एंड इरेशनल नंबर्स आर नॉट एक्सप्रेसिबल in the form p by q, p and q being integers. लेकिन हम हर एक real number को decimal में represent कर सकते हैं. Rational numbers की जो decimal है, वो या तो terminate कर जाती है, end आ जाता है decimal का, terminating decimal. जैसे कि 1/4 है,
ऐसा भी हो सकता है कि टर्मिनेट ना करे रैशनल नंबर की डेसिमल, लेकिन उस केस में उसमें एक पैटर्न बनेगा, कोई ना कोई डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जैसे कि 1/3 है, ये 0.333, सो 3 इज रिपीटिंग एंड डेसिमल। तो रैशनल नंबर्स में सिर्फ दो ही तरह के डेसिमल हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे तो रिपीटिंग होंगे, और इन रैशनल नंबर्स का एक ही काइंड का डेसिमल होता है, वो ना तो कभी टर्मिनेट करेगा और ना कभी रिपीट करेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जैसे हमें पता है इरेशनल नंबर है, इसकी डेसिमल हम निकाल तो पाते हैं लेकिन इसका कोई एंड नहीं आता, ना इसमें कोई पैटर्न।